नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी। देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चंद लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और उनके व्यक्तित्व की मिसालें दी गई। उनकी 102वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके कामों को याद किया गया। प्रदेश में भी कॉलेज की छात्राओं को सरकार ने सौगात दी और निःशुल्क ड्राइविंग योजना की शुरुआत की गई। आज हमारी खास चर्चा में हम पूर्व प्रधानमंत्री की छवि और कार्यशैली पर करेंगे चर्चा, पर इससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चंद लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और उनके व्यक्तित्व की मिसालें दी गईं। इंदिरा गांधी भी एक ऐसा ही नाम है जिन्हें उनके निर्भीक फैसलों और दृढ़ निश्चय के चलते लौह महिला कहा जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की 102वीं जयंती के मौके पर देश ने उन्हें याद किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपनी मां को याद किया। गौरतलब है सीएम कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, इंदिरा गांधी कड़े फैसलों को लेने से कभी पीछे नहीं हटती थी। बांग्लादेश उनकी ही बदौलत आज एक आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। इंदिरा गांधी ने ही वहां पर अपनी सेना भेजने का फैसला लिया था और इसका अंत 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों की आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की आजादी से हुआ था। निश्चित रूप से इंदिरा गांधी जी अपने आप में एक सशक्त महिला की प्रतिमूर्ति थी, देश उनको नमन करता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उनकी जयंती मनाई है, जिस तरह से फीका कार्यक्रम रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम से अपने आप की दूरी बना के रखे, केवल पेपर में विज्ञापन देकर जो सीमित है, इसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है अपने आदर्श पुरुषों को भूल गई है। आज क्योंकि कमलनाथ जी को आवश्यकता है गांधी परिवार की नजदीकी, क्योंकि गांधी परिवार लगातार उनको निग्लेक्ट करने का काम कर रहा है। उनके जन्मदिन को भी मनाना स्वाभाविक रूप से, उनके ट्वीट करना भी जो है वो नहीं कर पा रहा, इसलिए कमलनाथ जी अपनी माँ बता बताकर इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से नेहरू परिवार, गांधी परिवार से जो इनकी दूरी है वो अब स्पष्ट रूप से देश में झलक रही। जिस वक्त दुनिया के ताकतवर देश भारत को लेकर धमकाने में जुटे थे, उस वक्त इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। इस टेस्ट ने भारत को परमाणु ताकत के रूप में स्थापित किया था। हालांकि दुनिया के बड़े मुल्क इस हरकत से काफी खफा थे और भारत को उनके कड़े रुख का सामना करना पड़ा था, लेकिन इससे इंदिरा न तो घबराई और न ही विचलित हुई। उन्होंने लगातार भारत को विकास के पथ पर अग्रसर रखा। उनके इस फैसले ने दुनिया को ये बता दिया था, भारत अपने हित के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटने वाला है। अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने खालिस्तान की कमर तोड़ने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला किया, वो आसान भी नहीं था। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्राओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस देने की योजना की शुरुआत की गई। भोपाल के सरोजनी नायडू महाविद्यालय से राज्य के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस देकर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ड्राइविंग लाइसेंस का नाम दिया गया। देखिए, आज से प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना की विधिवत शुरुआत की गई और आज भोपाल ही नहीं सारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कैंप शासकीय कन्या महाविद्यालयों में लगाए जा रहे हैं। और अभी तक हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बताया थे कि 12,000 लाइसेंस तो अभी तक बिट चुके हैं। इतनी रुचि लड़कियां छात्राएं आगे आकर दिखा रही हैं और ये आज से ये कार्यक्रम एक योजना का रूप लेगा, अभियान का। आज जो छात्राएं शिविर में नहीं आ सकीं उनके लिए पुनः 3 माह बाद कैंप लगाए जाएंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिला सशक्तिकरण की बात कही थी, साथ ही छात्राओं को निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस देने का वादा भी किया था। और तलब है इसकी शुरुआत कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के 102वीं जयंती के मौके पर की। डेस्क रिपोर्ट, TNN। तो
प्रियदर्शनी इंदिरा का आज 102वां जन्मदिवस है, इसी पर देश भर में उनको याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही, इसी सब पर करेंगे चर्चा। पर इससे पहले हमारे साथ मेहमान जो शामिल हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारी चर्चा में शामिल हैं योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है योगेश जी। सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सरमन जी आपका। प्रवीण नापित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है प्रवीण जी। सरमन जी शुरुआत आपसे करूँगी, समझना चाहूँगी जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि एक मजबूत महिला, एक आयरन लेडी नाम दिया गया था इंदिरा गांधी को, उनका जन्मदिन देश में मनाया जा रहा है। और देखिए अगर इधर प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक योजना भी शुरुआत की गई है, फ्री ड्राइविंग लाइसेंस देने की जो योजना है वो भी एक अच्छी पहल देखी जा सकती है। महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है उसमें कुछ योगदान इस तरह भी दिया जा रहा है। देखिए अब चूंकि आज एक ऐसा अवसर है, इस अवसर पर जो देश के प्रधानमंत्री जो भी हुए, चाहे माननीय राजीव गांधी हुए हों या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरसिम्हा राव जी या इंदिरा जी, राजनीतिक दल के लोगों को कम से कम उनकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि के अवसर पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उन्होंने देश के लिए कुछ दिया है, कुछ लोगों ने कुर्बानी दी, कुछ लोगों ने योगदान दिया। आज जो देश दिख रहा है वो किसी एक दल का नहीं है, ना किसी एक प्रधानमंत्री ने देश को बनाया है, इसमें सभी दलों के लोगों का, किसी का परसेंटेज ज़्यादा है, किसी का परसेंटेज कम है। इसी में देखिए एक चीज़ देखिए कि जैसे कि आपने भी कहा कि आयरन लेडी, ये संज्ञा कहीं ना कहीं किसी ने दी है, लेकिन एक और उनको उपाधि दी है जिसका कि जिक्र ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी और अन्य दलों के लोग भी करते हैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा के रूप में संबोधित किया था, और कई अवसर ऐसे आए हैं जब वो जो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो उसमें इंदिरा जी का उनके साथ में समन्वय, संपर्क, बातचीत, इसके आधार पर सब किया गया है। तो अब यदि किसी भी राज्य में, देखिए ये तो सामान्य सी परंपरा है, अब इसमें किसी दल विशेष की बात नहीं रही, ये तो ये ट्रेंड चला आया। यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी तो कांसीराम के या महात्मा फुले का मनाया जाएगा, यदि सपा की होगी तो लोहिया जी का मनाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में और देश में, जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या उनके जो अग्रज हैं जिनको वो अपना नेता मानती है, जो उनके लिए आदरणीय है, जो मान्य है, उनकी उनके लिए भी उन्होंने कुछ किया है, चाहे पंडित उनका दीनदयाल उपाध्याय जी का देखें या कुछ और का। एक और मैं संदर्भ देना चाहूँगा, फिर मैं उसको और आगे बताऊँगा कि देखिए क्या है कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी का जब निधन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि उनका जो दिन है 20 अगस्त वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसके बाद से सरकार, बीजेपी भी आई है, बीजेपी ने लेकिन उस आदेश को वापस नहीं लिया, बीजेपी के कार्यकाल में भी सद्भावना दिवस मना और फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी मनाया। चूंकि इंदिरा जी के निधन के बाद, उनकी शहादत के बाद, जैसा लोग कहते हैं, उनके संदर्भ में कोई ऐसा किसी राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं निकाला। ये क्या है कि जब तक कोई सरकार आदेश ना निकाले विधिवत रूप से, तब तक नहीं हो सकता। अब मैं एक और संदर्भ दूंगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उनका जन्मदिन मनाया, उनके लिए भी इस तरह का ऑर्डर निकला था, मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला था कि राज्य के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ हैं उनका फोटो लगाया जाए, चित्र लगाया जाए। तो कुछ नियम से चलती चीज़ें हैं और कुछ नेताओं को, अपने नेताओं को मतलब आगे करने के लिए, उनकी विचारधारा को उनको मानने के लिए 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व भी किया उन्होंने, प्रधानमंत्री रही। मैं कहना, देखिए क्या है कि अब चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो अब उनके पास यदि इस तरह का काम करने का अवसर है तो इस तरह का काम कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे अवसर थे, उन्होंने उस तरह का काम किया था। तो ये इसमें चूंकि अब मैं एक और संदर्भ देना चाहूंगा कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में वो आई थी, जो एप्को जो आज की डेट में पर्यावरण का बहुत बड़ा सेंटर है देश का, जहां जिस देश के बड़े पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक यहां पर निदेशालय बनाया गया था, जो अभी काम भी कर रहा है, यहां एकांत पार्क के पास, वो माननीय कमलनाथ जी जब पर्यावरण मंत्री थे उसका शुभारंभ हुआ था, उसके ठीक पीछे एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में इंदिरा जी आई थी और 80 में वो
एक बरगद के पेड़ का पौधा लगा के गई थी। आज वो 40 साल का कितना बड़ा बरगद का पौधा हो गया, तो क्या वो किसी उन्होंने दल विशेष के लिए लगाया था या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लगाया था? वो मध्य प्रदेश के लोग, भोपाल के लोगों को शुद्ध वायु मिले, शुद्ध उनको हवा मिले, इसलिए तो इस तरह की चीजों पर, इस तरह के अवसरों पर लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि हमने सुना भी कि जो सीएम ने ट्वीट किया, याद किया, एक माँ के रूप में जाहिर है शुरू से ही बातें आती सामने आती रही, तीसरा बेटा मानती रही इंदिरा गांधी सीएम कमलनाथ को, अब अगर उनको कोई ट्वीट किया जाए, उन्हें याद किया जाए, तो इसमें बुराई क्या? नहीं, मेरे मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा कोई बुरी बात कही हो। अगर कोई समझाइश दी जा रही है, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो हम यह चर्चा कर लें कि किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया कि कमलनाथ जी वो तीसरा उनके पारिवारिक संबंध है, उसमें किसी को क्या लेना देना। कोई किसी को बेटा मानता है, कोई किसी को कुछ मानता है, उससे उसके पारिवारिक संबंध है और उसके पारिवारिक संबंध ये निजी संबंध कहलाते हैं, उसमें राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं है। रही बात 1980 में भोपाल आई थी, मैं अपने माता पिता के साथ उनको गया था देखने के लिए। मेरे मदर ने उनको माला भी पहनाई थी बोड़ाफेस में, फादर मेरे माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोड़ाफेस है उसमें अधिकारी थे, तो हम लोग उसी गेट के सामने खड़े थे, हम लोग के लिए अलग व्यवस्था थी। तो उधर से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी महापुरुष लेते हैं, उनकी जो भी जयंती होती है, पुण्यतिथि, हम लोग सम्मान से मनाते हैं। अभी इन्हीं के बैजनाथ कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप और अन्य राजाएं, उन लोगों का वंश इसलिए डूब गया है क्योंकि वो शराब ज़्यादा पीते थे, बाद में उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो इन सब बातों का कहीं का, जो आयरन लेडी थी, ठीक है, अटल जी ने भी उनसे कहा कि वो दुर्गा के रूप में कहा, ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे तो उन्होंने राज्यसभा में लेके आई। तो आज तो 102वीं पुण्यतिथि है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जन्म जयंती है उनकी, और मेरे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि, मतलब जन्मदिन की शुभकामना दी है, जो भी जैसा होता है जी। तो अब उसमें याद करते हैं, हमारे देश के ही कोई दूसरे देश के तो है नहीं है, बांग्लादेश का भी जिक्र आया, बरगद के पेड़ का भी आया, तमाम चीज़ें हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे दें या आने वाली पीढ़ियों को हम यह बताएं, एक अहम योगदान रहा हाँ, देश इन सब चीज़ों का रहा बनाए रखने के लिए, उसको कहा भी है। अगर इंदिरा जी ने समय, जैसे आप बताया जा रहा था कि परमाणु के बाद परीक्षण किया, उसके बाद कई हमारे देश के ऊपर जो विदेशों से आने वाली चीज़ों पाबंदी लगी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी पाबंदी लगी थी, अमेरिका ने पसारी पंप पर, हमारे देश में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम फसल उगाते तमाम स्वदेशी पर हम निर्भर करते हैं, प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है जी जी देश के लिए। और निश्चित रूप से महिलाओं में कहीं ना कहीं बहुत लोकप्रिय थी, युवाओं में लोकप्रिय थी और देश के अंदर वो जहाँ भी जाती थी। हमारे एक बात है उसमें, किंतु परंतु नहीं है, मैं कोई बुराई की नहीं, एक उनका नारा था गरीबी हटाओ, अच्छा होता कि वो ज़्यादा सक्सेस हो जाता, सक्सेस ऐसे हो जाता देश से गरीबी चली जाती, तो अब नहीं, पर उनकी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, नेहरू जी की बेटी थी वो, बहुत उन जमाने से रही होंगी, महात्मा गांधी को उन्होंने देखा, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग हैं उनके बीच में रही, बीच बीच में नेहरू जी के कई ऐसे पत्रों का जिक्र है, नेहरू जी ने उनको पत्र लिखे, उन्होंने उनको पत्र लिखे, तो ये सब चीज़ें आती हैं तो राजनीति में बनता है। फिर कांग्रेस टूटी, फिर इंदिरा कांग्रेस बनी, फिर ऐसी सब चीज़ें चली गई। तो हम अपने प्रदेश के, देश के लोगों को या नई पीढ़ी को बताएं, अब इसमें कौन क्या कहता है उसमें जाने की जरूरत नहीं, तो वहाँ तो कम्युनिस्ट भी फिर बुराई करते हैं, फिर अन्य लोग बुराई करते हैं, तो वो अलग बात है। पर मेरा ऐसा कहना है कि जब जिसकी 102वीं जयंती हो, तो अब तो कोई बुराई मराई तो कहीं नहीं है, नमन कर रहे हैं और प्रदेश को और देश के सब उनके खुशहाल बना रहे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। और राजनीति में तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि आदमी 10 अच्छे काम करने के बाद एक थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो 10 अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल के, देश के प्रधानमंत्री थे, किसी न सबने अच्छा किया है, और मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा वो जहां भी रहें स्वर्ग में रहें, अच्छा रहें, और देश के ऊपर उनका आशीर्वाद जहां से भी हो बरसाते रहें, और हम सब प्रदेशवासी खुशहाली रहें। और कांग्रेस मनाए तो ठीक है, हमने तो वहां पे मूर्ति कांग्रेस में रखी थी, कांग्रेस कार्यालय में, उसको भी हमने जाया, मतलब तमाम जितनी व्यवस्था थी जो भी अच्छा कर सकते थे, नेहरू 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था,
हमारे पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान, हम सब कार्यकर्ता लोग न्यू मार्केट गए, हमने सशस्त्र नमन किया उनको, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं कोई ना कोई किसी से लेते हैं। हर चीज़ में, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, हर व्यक्ति में बुराई होती है। बड़ा परिवार है वो, गांधी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, और वो सत्ता के करीब भी रहे, उन्होंने देखा भी है। मैंने फिर कहा कि जब नेहरू जी जब जेल में थे आज़ादी के दौरान, तो कई पत्र लिखे, तो एक अनुभव होता था, राजनीतिक अनुभव। उन राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उन राजनेता, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बड़े बड़े लोगों के बीच में वो रहीं, उनके बीच में उनके अनुभव रहेंगे। जब अनुभव व्यक्ति के पास होता है तो अच्छा राजनीतिक होता है। निश्चित रूप से मेरी तरफ से पुनः उनको बिल्कुल। योगेश जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, 102वीं जयंती है प्रियदर्शनी इंदिरा जी की, और उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता रहा है, और देश के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी काम ऐसे उन्होंने किए जिसमें देश का अस्तित्व भी बचा, मजबूती भी मिली देश को। कई ऐसे चीज़ें हैं जो आज भी कहीं ना कहीं जो जनता है भारत की, उसको लाभ पहुँच रहा है उसका। आज उनकी 102वीं जयंती पर सीएम शिवराज, माफ़ कीजिएगा, सीएम कमलनाथ जी की योजना जो है फ्री ड्राइविंग लाइसेंस की, वो भी शुरुआत की गई, परिवहन मंत्री ने उसकी शुरुआत की। जी नुजात जी, मैं आपसे सहमत हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ इंदिरा को नमन करता हूँ उनकी 102वीं जयंती के अवसर पर। इसी के साथ एक और वीरांगना की आज हमारे यहाँ जयंती है, महारानी लक्ष्मीबाई की, मैं उनको भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। दूसरी बात, मैं इंदिरा जी का देश के प्रति जो योगदान है वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं गिनाने बैठूँ तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चंद मुख्य बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के संज्ञान में लाना जरूरी समझता हूँ। माननीय इंदिरा जी 15 वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री रही देश की, उन्होंने बखूबी देश में जो जन समस्याओं से निपटाने के लिए, जो गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया था 20 सूत्री कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 साल तक वो कार्यक्रम चला। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, कांग्रेस की आई और जो अदर सरकारें भी आई, उन्होंने उस कार्यक्रम को यथावत नाम परिवर्तन करके जारी रखा। उसी का आज परिणाम है नुजत जी कि आज देश से 78% गरीबी हट चुकी है। आज भारत में केवल 22% गरीबी बची है। मनरेगा लागू होने के बाद 10 साल बाद जब कांग्रेस ने माननीय मोदी जी को सत्ता सौंपी थी, तो उस समय 22% गरीबी बची थी। 1971 में उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया, बल्कि बांग्लादेश का निर्माण कराया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने इतने साहसिक निर्णय लिए, उन्होंने परमाणु परीक्षण जब प्रथम किया तो उस समय उनके ऊपर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए, उस प्रतिबंध को उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और उस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए देश हित में उस परमाणु विस्फोट का आयोजन किया और उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, और देश के वासियों को एक संदेश दिया कि भारत अब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। तो राष्ट्रहित और जनहित उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, एक बात। दूसरी बात, इंदिरा जी ने 1982 में सर्वप्रथम इंडिया में अपने यहाँ एशियाई खेलों का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर हुआ। जब हमारे देश के प्रथम नागरिक राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे, तो माननीय इंदिरा जी का उनसे पहला क्वेश्चन यही था कि राकेश जी, ऊपर से हमारा भारत कैसा नजर आ रहा है? तो राकेश जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये चंद उपलब्धियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, और वही खालिस्तान आंदोलन का जिक्र आपके रिपोर्टिंग में दिखाया गया, उसको बखूबी उन्होंने निपटा, साहसिक निर्णय था। हालांकि उसको उस खालिस्तान के आतंक को ख़त्म करने के बावजूद उनको अपनी शहादत देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस समुदाय के ऊपर अपना भरोसा कायम रखा, उस समुदाय से अपना भरोसा हटाया नहीं। तो कड़े निर्णय लेने के लिए वो जानी जाती रही हैं, बहुत ही साहसिक महिला थी। ऐसी वीरांगना को बारम्बार नमन करता हूँ। तो कठोर निर्णय लेने में मिसाल साबित करती हैं इंदिरा जी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहें इंडियन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे। सरमन जी, ब्रेक से जाने से पहले योगेश जी बता रहे थे कि कठोर निर्णय लेने का काम करती थी इंदिरा जी, और पाकिस्तान के टुकड़ों की भी बात की, उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हम समझना चाहेंगे और क्या कुछ योगदान भारत के लिए उनका रहा जिसको आज भी लोग याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की चीज़ें आगे भी होती। देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ जो रहीं उसके अनुकूल उन्होंने निर्णय लिया है, और उस समय वो प्राथमिकता थी।
आज के समय में प्राथमिकता विकास है, रोजी रोटी है, कपड़ा मकान है, स्वास्थ्य है, शुद्ध वायु है, शुद्ध खाना है, ये आज के समय की आवश्यकता है। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, एक बड़े प्रसिद्ध लेखक ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में उनको ये कहा गया कि भारत की शाश्वत बेटी, और उसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि भारत के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए सुनियोजित तरीके से एक प्रतिज्ञा लेकर ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, कि जिससे भारत के लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो। और एक चीज और कही थी जिसका कि आज की डेट में राजनेताओं में देखने में नहीं आता है, उसी समय उन्होंने कहा था कि लोकप्रियता के प्रलोभन में आकर नागरिकों की समस्याओं का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा आज के राजनेताओं में देखने में नहीं आता है। तो ये उस समय की चीजें ऐसी हैं कि आज देखिए ना केवल भारत में, ना केवल मध्य प्रदेश में, अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी उनके द्वारा स्थापित की हुई चीजें आज भी चल रही हैं। अब देखिए जैसे कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेकर आई है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट लेकर आए हैं, या अटल जी प्रधानमंत्री सड़क के नाम से कोई योजना लेकर आए थे। तो देखिए जो योजनाएं रहती हैं वो तो चलती रहती हैं, और राजनेताओं का पहला कर्तव्य होता है कि जनता का वेलफेयर किया जाए, और सरकार को लोग मतदान इसीलिए करते हैं कि वो वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में काम करें। लेकिन देखने में आजकल ये आता है कि लोग जो है ना अपने दलों तक सीमित रह जाते हैं, संकीर्ण मानसिकता के बन जाते हैं कि आपने हमको मतदान नहीं किया, हम आपके काम क्यों कराएं, हमको तो जिन्होंने मतदान किया उनका काम कराएं। इंदिरा जी में या अटल जी में या बाकी नेताओं में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के नेताओं में ये प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ, मतलब यहाँ तक कि लोग कह देते हैं, यदि किसी मंत्री के पास जाइए आप, वो कह देते हैं कि आपने तो हमको वोट दिया नहीं, हम आपका क्यों कराएं, जबकि ये गलत है, क्योंकि आखिरकार किसी भी सरकार की जवाबदारी राज्य की कानून व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा, उनका कल्याण, ये प्राथमिकता रहती है। तो इंदिरा जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो, चूंकि एक ऐसा विषय था जिस पे एक बौद्धिक बात थी तो वो मैंने बताई, बाकी बात पार्टी के लोग बताएं, दूसरे दल के लोग बताएं कि उनके क्या क्या ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गरीबी की बात आई है, गरीबी हटाओ पे सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वो निर्णय लेने में सख्त थी, और उन्होंने उस समय के जो आवश्यकता थी वो कैसे निर्णय लिए वो सबकी संज्ञान में। अब उन निर्णयों पर आज की डेट में इसलिए चर्चा कर भी लेंगे उन निर्णयों का, तो आज उसमें कोई बहुत ज्यादा उसका कोई, क्योंकि आज परिस्थितियां बिल्कुल एकदम भिन्न हो गई, बिल्कुल भिन्न हो गई। उस समय आईटी नहीं था, उस समय डिजिटल युग नहीं था, सोशल मीडिया का युग नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था, उस समय के राजनेता ऐसे नहीं थे, उस समय के तो राजनेता ये इस तरह के थे कि वो अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव जिताने के लिए स्वयं जो है ना प्रचार करते थे, स्वयं उनको आर्थिक मदद करते थे। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसा कि शर्मन जी का मानना है कि इंदिरा गांधी के समय जो चीज़ें थी, जो कार्यशैली थी, उनकी कार्यकुशलता थी, वो आज अगर राजनेताओं में देखें तो वो नहीं दिखाई देती। देखिए हर राजनेता का अपना एक स्टाइल होता है, काम करने का तरीका होता है, जो इंदिरा जी में है वो आज राहुल गांधी में भी नहीं है। जो इंदिरा जी में थे वो राहुल गांधी में भी नहीं है, राजीव जी में भी नहीं है। जो नेहरू जी ने जो किया देश के लिए, वो बहुत से चीज़ें देखिए, आप किसी को आप एक किसी से किसी की तुलना आप नहीं कर सकते। अब इंदिरा जी ने तो उस समय तो विपक्ष था ही नहीं, जेपी साहब थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अन्य लोग थे। अब इमरजेंसी भी उन्होंने देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ आया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इमरजेंसी लगी। तो सोशल मीडिया तो थी नहीं ना, पेपर भी 1977 में कितने लोग पढ़ पाते थे, आम जनता को तो फिर कोई ऐसा विपक्ष तो था भी नहीं। सोशल मीडिया अभी तो काम करना शुरू कर रहा है। हाँ, उस समय तो नहीं था ना, जो भी शर्मन जी ने कहा समय की चीजों को भी अभी कर रहा है सोशल मीडिया। जी जी, बहुत सारी तो अब वो दिखा रहा है तो लोग देख भी रहे हैं, तो उस जमाने में तो उस समय की तस्वीर बिल्कुल बदल के भी तो दिखाई जा सकती। नहीं नहीं, कैसे दिखाएगी आपको, इमरजेंसी में रात में थे जो पत्रकार थे, जो लिखते थे, उनको मारा था, पीटा था, जेलों में बंद थे, विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं हो, उसको आप कैसे दिखाओगे। या आज वो जो विपक्ष में जेल के अंदर बंद थे, कई बच्चियों ने अपने पिताओं ने नाम मीसा रखा, तो मीसा बंदी थे वो,
उसको मीठाओं में बंद रखा था। चलिए समय की कमी है, तो आप उन्होंने अपने बच्चों का ही नाम मीठा रखा। उस तरह प्रवीण जी का कहना है कि उस समय मैं उसको वैचारिक, आपने कहा कि कैसे क्या रखते हो, तो मैंने उस बात को बताया। अब उस समय में 77 में तो वही सवाल करती योगेश जी से। सरमन जी का ये मानना है कि जो कार्यशैली, जो कार्य क्षमता, समय परिस्थितियों के हिसाब से जो कठिन फैसले लिए जाते थे, वो आज अगर बात करें राजनेताओं में, वो चीजें, वो कार्यशैली, वो कार्य कुशलता नहीं दिखाई देती। देखिए नुजर जी, मैं बिल्कुल आदरणीय सरमन जी की और प्रवीण नापित जी की बात से सहमत हूँ कि तुलना नहीं की जानी, ये सही बात है। महापुरुषों की तुलना हर किसी के साथ करना जायज बात नहीं है। एक बात, 1971 में पशु संरक्षण के लिए अर्जेंटीना ने इंदिरा जी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका ने 1953 में लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का पुरस्कार उनको नवाजा गया था। फ्रांस और इटली ने भी अपने देश में, अपने देशों में इसी प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा माननीय इंदिरा जी के लिए की। तो इंदिरा जी एक देश की नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानी मानी शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी थी, और उनकी सोशल मीडिया उनकी तुलना करना जायज ही नहीं है किसी के साथ, और देख पाती जनता। चलिए समय की कमी है, माफी चाहूंगी, और पुनः इंदिरा जी को नमन। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज 102वीं जयंती है इंदिरा गांधी की, जिनको उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रियदर्शनी कहते थे, प्यार से हिंदू कहते थे। आज उनकी 102वीं जयंती है और उसी पर हमने चर्चा की है। चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल थे। अपनी चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम, और GNN पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें, मुझे दीजिए इजाज़त।